हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का एक नया ब्लॉग शुरू हो चुका है और स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। सो कैसे हैं आप सब? आई विश आप भी मेरी तरह एकदम बढ़िया होंगे। मैं हूं अंकिता, स्वागत है आपका आज के न्यू ब्लॉग में। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और अभी सुबह के 10 बज गए और आप हमेशा की तरह रेडी हो गई ऑफिस के लिए, और अभी हम जा रहे हैं ऑफिस। और यहाँ पर हमारी गायु भी आ चुकी है। ये देखो हमारी गायु कहाँ गई, दिख नहीं रही है। और आज हम इसको फिर से रोटी देंगे, आज हम इसको खिलाएंगे पूरी पूरी। लो और अभी बाहर बारिश लगी है और आज का मौसम इतने जल्दी चेंज हो गया है। मतलब सितंबर तक तो बारिश ही बारिश थी, लेकिन अक्टूबर में भी अब बारिश शुरू हो गई है। और वैसे भी कह रहे हैं कि मानसून फिर से लौट आया है, सभी 2-3 दिन की बारिश। और यहाँ भी अभी बारिश लग गई है, हल्की लगी है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुबह से ही बारिश है। सो अभी चलते हैं ऑफिस। अब तक हमने छाता भी ले लिया है, चलो आप भी चलो हमारे साथ। बाय बाय। सो आजकल ऑफिस में सब लोग आए हुए हैं क्योंकि कुछ मीटिंग्स वगैरह हैं, तो चंद्रपुरी से भी आए हैं और जगह से भी आए हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है सबसे मिलके, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद, इतने दिन से तो मैं यहाँ अकेली थी, और आजकल सब लोग आए हैं तो काफ़ी मज़े भी आ रहे हैं। सो अभी ऑफिस चलते हैं, बारिश भी लग गई है। ये बैठे हमारे जितेंद्र सर यहाँ पे फोन चलाते हुए। सभी रात के 8 बज चुके हैं और हम अपने कार्य के प्रति दिन लगनशील और इतने मेहनती हैं कि हम अपने काम को लेके टाइम नहीं देखते हैं, और देखते हैं तो सिर्फ अपना काम। तो जैसे कि आप मेरे पीछे हल्ला देख सकते हैं, सारे बैठे हुए हैं, तो ये गप्पे नहीं मार रहे हैं, ये सब कर रहे हैं अभी काम। और रात के 8 बज गए हैं। सो मैं दिखाती हूँ आपको हमारे ऑफिस में कितना खतरनाक अभी काम चल रहा है। सो ऐसा काम मार्च फाइनल में भी नहीं दिखता है। सो ये देखो मेरे पीछे ये है सारे अच्छे अच्छे बच्चे जो अपना होमवर्क कर रहे हैं। सो चलो मैं आपको सबसे मिलाती हूँ। ये है हेमलता जी जो हमारा चंदनगर का मंडल देखती है और वहाँ का काम देखती हैं। यहाँ पे हैं शकुंतला जी जो हमारे तपोवन वाला क्षेत्र देखती हैं। ये है सुमन जी जो कि हेमलता जी के असिस्टेंट है, और ये दोनों है, इनका अभी सीनियर नहीं मिला है हमें। ये अभी सिर्फ दोनों कारण अपने सीनियर को इतना परेशान किया कि अभी तक तो कोई मिला ही नहीं है, कोई आना ही नहीं चाहता इनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि ये काम के लिए इतने अच्छे, इतने मेहनती और लगनशील है दोनों के दोनों। ये देखो रात के 8 बज गए हैं, लेकिन इनका अभी उठने का कोई नाम नहीं है यहाँ से। सो आपको अभी हम बाहर का व्यू दिखाते हैं। सो बाहर वाले से मिलाते हैं हम आपको। हमारे मनवर सर जो की सबके सीनियर है, और ये हमारे सूरज सर, ये सारा काम आप लोगों का है। सो इन्होंने इतना परेशान कर रखा है सबको, इतना परेशान कर रखा है, रे बेचारे 8 बजे तक लगे हैं काम करने पे। सो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए ये हमारी छोटी बहन है अंकिता, ठीक है। इस साल जो है हम इसको आशीर्वाद देते हैं कि जल्द से जल्द की शादी हो और इसका निपटारा यहाँ से हो। बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। सो फाइनली आज मुझे थोड़ा टाइम मिल गया अपना कमरा सेट करने के लिए, वरना तो एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है कमरा जब लिया था। सो मैं अभी वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुई हूँ। सो आज थोड़ा वहाँ पे साफ सफाई करेंगे, आज वहाँ पे शिफ्ट करेंगे खुद को। सो चलते हैं अभी कमरे की तरफ, और आज का तो पूरा दिन साफ सफाई में ही जाएगा। सो अभी नाश्ता हो गया है और सुबह के 11 बज गए हैं। सो दिन में हो सकता है थोड़ा ऑफिस की तरफ भी चले, और इसके साथ ही आज आपको अपना रूम भी दिखाएंगे। सो ये रहा हमारा कमरा, ये वाला, और इधर है किचन। सो यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा सामान, जो कि आज हम इसको सही से लगाएंगे। ये है हमारा किचन, यहाँ पे रखा हुआ है मैंने अपना गद्दा। ये है यहाँ पे विंडो जिससे हम बाहर देख सकते हैं। सो चलो फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। सो पहले झाड़ू लेके आती हूँ क्योंकि झाड़ू नहीं है, उसके बाद हम यहाँ स्टार्ट करेंगे अपनी सफाई। सो झाड़ू आ गया है और अब हम करेंगे सफाई स्टार्ट। सो फर्स्ट हम करेंगे किचन से स्टार्ट, क्योंकि किचन में थोड़ा
मकड़े जाली और थोड़ा धूल वगैरह हो रखी है, तो बाहर के कमरे में उतना नहीं है, यहाँ ज्यादा है। सो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। झाड़ू वाला काम तो हो गया है, लेकिन अब किचन की टाइल्स वगैरह थोड़ी गंदी हो रखी है, तो उनको हम पानी से वॉश करेंगे, पानी से धोएंगे पूरे किचन को, और फिर अपना सामान हम यहाँ सेट करेंगे। और वैसे पानी तो नहीं आ रहा है, तो देखते हैं बाथरूम में आ रहा होगा तो वहाँ से लेके आते हैं, और फिर हम यहाँ वॉशी करेंगे। कि मेरे को ऐसे पहचान रहा है, वो जहाँ दिखता है वहाँ से आ जाता है। सो अभी थोड़ा बहुत सफाई हो गई है, थोड़ा बहुत रह गई है। सो अभी लंच टाइम हो गया था, इसलिए मैं आ गई हूँ लंच के लिए गेस्ट हाउस में, और वहाँ पे मेरा कुछ सामान भी है, सो उसे भी लेके चलते हैं फिर। सो अभी किचन का सामान तो है, लेकिन मेन चीज़ नहीं है, गैस सिलेंडर। सो जैसे वो आता है फिर उसके बाद मैं अपना किचन स्टार्ट करूँगी खाना बनाने के लिए, लेकिन जब तक नहीं आता है तो तब तक हम गेस्ट हाउस में ही खाएंगे। सो अभी अपना लंच करते हैं, फिर वहाँ से अपना सामान कमरे में रखते हैं, और फिर वहाँ से थोड़ा ऑफिस चलते हैं, क्योंकि ऑफिस में आज कुछ लोग काम कर रहे हैं। सो शाम तक देखते हैं, ऑफिस में ही रहते हैं। ये रही हमारी सोनी, बेचारी दिन भर काम करके थक गई है। सो अभी शाम के अभी शाम के 5 बज गए हैं, और काम करते करते सब थक गए हैं, और अभी चल रही है हमारी, सभी हमारा टी टाइम हो रहा है, और आज हमारे चाय के साथ है गर्मा गर्म पकौड़े, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। और अभी हमारी प्लेट में 3 टाइप के पकौड़े हैं, ये प्याज का पकौड़ा है, ये आलू के पकौड़े हैं, और ये बैंगन के पकौड़े हैं। तो आपको कौन सा पसंद है प्लीज कमेंट करें, हमें तो प्याज का ज़्यादा पसंद है। सबसे ज़्यादा पकौड़े का जिसने खाया वो ये है, लेकिन मोटा खाना है, ये देखो खा रहा है सभी प्लेट से। अरे देखो ये दोनों के दोनों कैसे फूली फूली हो रहे हैं पकौड़े खा के।